हेलो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट समझा के दे। यस सर। बोलो दो इफेक्ट्स क्या है इसका? आउटस्टैंडिंग इनकम बोलो एक्टिव इनकम एंड एसेट। इसलिए इंटरेस्ट पे डॉट किया है ना, 324 मिला है उसमें 150 एक्टिव। सॉर्टेड मुझसे कर रहा है 15 मिनट्स। चलो 8:45 तक टैली करो, फिर आप सब करोगे। ये बोर्ड लेवल का ही समय 15 मिनट्स बोर्ड टाइमिंग। मैं डिस्कस किया उसका 10 मिनट का टाइम है। कॉलेज हो गया तुम्हारा, चलो पढ़ा 15 मिनट्स। 200 का ऊपर जागा जाके मत करो, चैप्टर खत्म होने आया है, खुद से आना चाहिए। कम ऑन सॉलिड होने वाले। सर इसमें एक्सपेंसेस ऑफ 2006 पेड हो तो इग्नोर कर। इग्नोर करो, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, लास्ट ईयर बैलेंस शीट का सब आइटम इग्नोर, नहीं बनाने आपको समझा ना। लास्ट ईयर बैलेंस शीट नहीं बनाने का, तू नहीं बनाना है। करेंट ईयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड करेंट ईयर बैलेंस शीट बनाओ फटाफट, खुद से करो। चलो इज डोंट टॉक इसमें क्या छाप रहा है भाई, खुद से कर। अरे एक मिनट देख रहा हूँ, वही छाप एंट्रेंस फीस 22250 4500 रु एंट्रेंस फीस जो थे 50%। अच्छा मैं 2225 बाकी बंदो सेम थे। रिद्धि पिक्चर करो ना यार, सब पिक्चर Thank you.
Diksha. एक्सपेंसेस ऑफ 06 आएगा यहाँ पर नहीं लास्ट ईयर लाइब्रेरी What, Ali? Sir, पहले बड़ी जो डिफरेंस चेक कर लो रुको 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 और रोहन सर भी राम चेक पास दो हाँ
Finish it off fast. पहले कंप्लेंट करो ये खुद से करो बोर्ड पे खाली चेक करने के लिए रखा है खुद से करो खुद से करने का तो मेरा सर कौन सा सर 8:40 से विशाल सर के 8:40 से छोड़ा है एक बार पॉसिबल छोड़ा तू नहीं तो बस फिर से छोड़ा वो से पहले कौन सा सर है ये कंप्लीट करो पहले हो गया नहीं हो सही हुआ नहीं होगा नहीं हुआ सर नहीं हुआ सच में नहीं हुआ कारण यार तो अपना टाइम में इतना मेरा हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ सेमिस्टर का कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा उस टाइम कॉलेज का सेमेस्टर के लिए इधर कुछ हॉलीडे नहीं रहेगा किसी हम लोग का तो डेट भी नहीं है तो सर अगर उस टाइम एग्जाम रहेगी तो सुपर क्लास रहेगा सर उसी में 6 चैप्टर है मार्क्स किधर कुछ काउंट नहीं होने वाला है ना तुम्हारा एग्जाम सर दोनों का 6 चैप्टर पढ़ना तो उसमें 20 स्कोर्स आए वो 20 मार्क्स में तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ता कॉलेज That's what I'm. You focus on what is important. Sir, एक लेक्चर रखो बच्चों के लिए उनको ये समझाओ. मैं एक्सप्लेन कर देगा. You tell me कौन सा पेरेंट को प्रॉब्लम है. Tell them to call me. I'll explain them. सेमिस्टर का और प्रीलियम का कोई मार्क्स तुम्हारा किधर काउंट होने वाला नहीं फोकस ऑन प्रोजेक्ट सबमिशन अटेंडेंस बस सब सब्जेक्ट ऑल 6 सब्जेक्ट का यही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट सबमिशन टाइमली एंड अटेंडेंस वो करो 20 मार्क्स आ गया वही रिजल्ट में आने वाला है कोई पूछने वाला नहीं है सेमिस्टर का मार्क्स आर यू अंडरस्टैंडिंग पोकर का वायर क्या डिफिकल्टी होता है कुछ नहीं है पेपर्स आर ऑल्सो इजी और अभी से ये जो किया हुआ है पोर्शन तो सब हो चुका है जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आने ही वाला है इको का भी हो गया अकाउंट भी हो गया मैथ भी हो गया उतना ही पढ़ के दे दो जैसा क्लास टेस्ट देता है वैसे ही दे दो कोई हॉलीडे हॉलीडे नहीं है चुपचाप बच्चा आना वो हॉलीडे को कोई मैं कभी किसी साल में नहीं दिया और पब्लिक भी करता कुछ नहीं है तुमको ये जो पढ़ा हुआ है जैसा क्लास टेस्ट देता है वैसा क्लास टेस्ट दे देगा तुमको और तो स्कोरिंग हाईएस्ट हाईएस्ट फुल मार्क कुछ टेल देम टू कॉल मी आई विल एक्सप्लेन देम नॉट वरी
फ्रेंड्स में कम आया फिर भी आपको कोई भी सेमेस्टर में कम आया कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी से मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई करने का जिसको देखना है तो राइट स्टार्ट स्टडिंग, हॉलीडे नहीं मिलेगा अभी से पढ़ाई करने का चालू। नेक्स्ट 18 सम इंग्लिश हिंदी 50 भी है तो जरूरत नहीं है। चलो हो गया सबका 18 सम लास्ट 18 सम हाँ सर डिस्कस करो प्लीज मी बाय कुछ नहीं होने वाला 18 सम यू हैव बीन गिवन योर ओपनिंग बैलेंस शीट कैन यू सी दैट 18 सम इम्पोर्टेंट है चार मार्क करना पूरा टेक्निकल चार मार्क 18th वन सर नाउ कैट द बोर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नानावटी हॉस्पिटल बॉम्बे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट नाउ 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 यू हैव बीन गिवन ओपनिंग बैलेंस शीट सो इज देयर एनी नीड टू मेक वन नो पेमेंट साइड पे आ जाओ एक एक आइटम अभी ध्यान से देखना उधर थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन बाजू में भी दिया है डेट्स भी दिया है देखो फर्नीचर परचेज ऑन 1406 1900 फर्नीचर किधर जाएगा एसेट व्हाट इज द करंट ईयर 67 सो व्हाट इज 1406 फर्स्ट डेट कोई खरीदा है अगर डेप्रिसिएशन रहेगा तो हाउ मेनी मंथ पूरा साल सैलरीज नेक्स्ट वन सैलरीज वो 2000 को छोड़ दो अभी फिलहाल सैलरीज आउटर कॉलम कितना है 23,000 वो किधर जाएगा 2000 का देखते हैं अपन इक्विपमेंट परचेज इधर जाएगा इक्विपमेंट परचेज एसेट उसका भी डेट क्या है 1406 मतलब फर्स्ट डेट हाउ मेनी मंथ्स डेप्रिसिएशन फुल ईयर डिस्पेंसरी एक्सपेंस मेडिसिन टैक्सेस कैश एसेट तीन एक्सपेंस है फिर एसेट है कैश ओपनिंग कैश कहाँ जाएगा लास्ट ईयर एसेट बराबर है बराबर है सब्सक्रिप्शन yes. एक ही दिया है कहाँ जाए इनकम में जाए इंटरेस्ट देखो वो 1500 का देखते हैं 5000 किधर जाएगा पहले इनकम में आयुषी आश्वी प्लीज पे डोनेशंस रेवेन्यू दिया है डोनेशंस रेवेन्यू इनकम लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में बोलो क्या दिया कैपिटलाइज फर्स्ट पॉइंट एड टू कैपिटल फंड मिला देन ओपनिंग बैलेंस शीट पे जाना पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का एवरी आइटम विल बिकम लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट रिमेम्बर सबसे पहला आइटम कैश रिड ऑफ टू इफेक्ट और वन इफेक्ट रिसीव पेमेंट ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्डेड आइटम मिला ऑलरेडी आया था जस्ट वन इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट स्टोरी ओवर सिक्योरिटीज हाउ मेनी इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट ब्रिंग इट टू करंट ईयर एसेट सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट फर्नीचर लास्ट ईयर एसेट ब्रिंग इट टू करंट ईयर एसेट बिल्डिंग्स लास्ट ईयर एसेट ब्रिंग इट टू करंट ईयर एसेट इक्विपमेंट सेम लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर ऑल आर फिक्स्ड एसेट्स ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस लास्ट ईयर का करंट ईयर में फिर उसमें तीन एडजस्टमेंट पॉसिबल है क्या क्या सेल परचेज और डेप्रिसिएशन सब्सक्रिप्शन ड्यू कौन सा ड्यू है ये 5000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है थिंक एंड टेल मी व्हाट शुड बी द टू एफेक्ट्स लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स ऑफ लास्ट ईयर यस ऑर नो लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स सब्सक्रिप्शन के बाजू में कुछ भी इन्फो था कुछ नहीं मतलब वील अस्यूम कि लास्ट ईयर का जो 5000 मिलना था वो ये साल मिल गया तो वील सब्ट्रैक्ट वील सब्ट्रैक्ट दैट डजंट बिलोंग टू करंट ईयर इज इट क्लियर सो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिला लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स ऑफ लास्ट ईयर इंटरेस्ट अक्रूड व्हाट इज दिस इंटरेस्ट अक्रूड रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर इसका भी क्या होना चाहिए लेस फ्रॉम इंटरेस्ट एंड व्हाट एसेट्स ऑफ लास्ट ईयर अभी इंटरेस्ट चेक करो उसके बाजू में क्या दिया था 1500 ऑफ लास्ट ईयर दिख रहा है सेम ही इनको दिया हुआ है वहां पे अलग नहीं है कुछ हमने जो अभी बात की वही चीज है 1500 लास्ट ईयर मिलना बाकी था और ये साल मिला है तो उसमें से क्या करने का माइनस कर देने लास्ट ईयर एसेट इज लेस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑल ऑफ यू क्लियर लेकिन यहां पे इंटरेस्ट के बाजू में ऐसा दिया होता 1000 ऑफ लास्ट ईयर कितना
1000 ऑफ लास्ट ईयर तो क्या होता 500 होता स्टिल इन अरियर क्यों समझा लास्ट ईयर 1500 बाकी था उसमें से मिला कितना है 1000 सो 500 इज स्टिल इन जाता किधर करंट ईयर ऐसे और माइनस कितना होता इंटरेस्ट में से इन दैट केस 1000 ही मिला होता तो माइनस कितना कर 1000 समझा क्यों 1500 में से 1000 ही मिला होता तो 1000 ही माइनस होता यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर क्या दिया है पूरा 1500 अंदर पड़ा हुआ है इंटरेस्ट का फुल 1500 मिल गया सो लेस फ्रॉम इंटरेस्ट एंड लास्ट ईयर एसेट फुल 1500 ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड नेक्स्ट वन ऑन द लायबिलिटी साइड सैलरीज अनपेड मिला हाउ मच वाज सैलरीज अनपेड लास्ट ईयर 2000 मिला आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर व्हाट आर द टू इफेक्ट्स लेस फ्रॉम सैलरी एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी लेस फ्रॉम सैलरी एंड अब देखो सैलरी नीचे पेमेंट में देखो 23 दिया था उसके बाद में देखो क्या दिया था इंक्लूडिंग 2000 ऑफ लास्ट ईयर वही दिया है कोई फर्क नहीं है माइनस करना है लास्ट ईयर लायबिलिटी लेकिन यहाँ पे सैलरी इज इंक्लूडिंग 1500 ऑफ लास्ट ईयर ऐसा दिया होता 1500 ऑफ लास्ट ईयर ऐसा दिया होता तो क्या 500 वुड हैव बीन स्टिल अनपेड स्टिल पेएबल जैसा वो स्टिल इन अरियर्स था मिलना बाकी था वैसा ये स्टिल पेएबल देना बाकी मतलब क्या लास्ट ईयर 2000 देना बाकी था लास्ट ईयर लायबिलिटी जिसमें से कितना दिया 1500 ही दिया माइनस कितना होगा सैलरी में 1500 जितना पे किया उतना माइनस एग्जाम्पल बोल रहा हूँ सैलरी में से यू वुड हैव सब्ट्रैक्टेड हाउ मच 1500 और बाकी का 500 किधर जाता स्टिल पेएबल तो वो किधर जाता करंट ईयर लायबिलिटी लॉजिक समझा इसका इधर ऐसा करने की जरूरत क्यों नहीं है क्या दिया है सैलरी इंक्लूड्स 2000 ऑफ लास्ट ईयर मतलब पूरा 2000 पे कर दिया लास्ट ईयर का जो पेएबल था फुल 2000 पे कर दिया कुछ भी अभी देना बाकी नहीं है फुल 2000 माइनस फ्रॉम सैलरी एंड लायबिलिटी मीनिंग समझा इसका पक्का समझा जितना इंक्लूडेड है वो माइनस होता है ठीक है अच्छा कुछ इन्फो ही नहीं होता 2000 इंक्लूडेड है या नहीं है कुछ मालूम ही नहीं है तो क्या अज्यूम करते इंक्लूडेड है और माइनस कर दे एक्सपेंस का साइकिल पहले लास्ट ईयर का पे करोगे फिर करंट ईयर का फिर नेक्स्ट ईयर का कुछ नहीं दिया मतलब 2000 पड़ा हुआ और माइनस कर देने का इज दिस क्लियर सेम थिंग गोज फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो 1500 नहीं दिया होता तो भी अज्यूम करते मिला हुआ है 1500 रिसीव्ड है और माइनस कर देते लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग समझा कि नहीं सो सेम नॉर्मल इफेक्ट लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी एंड लेस फ्रॉम सैलरी एंड इंटरेस्ट का लास्ट ईयर एसेट एंड लेस फ्रॉम इंटरेस्ट नेक्स्ट मेडिसिन बिल अनपेड कितना है मेडिसिन बिल अनपेड 1500 पढ़ो मेडिसिन बिल अनपेड मेडिसिन के बाजू में कुछ भी इन्फो था नहीं क्या अज्यूम कर रहे लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड लायबिलिटी लेस करने का कि नहीं करना है कि नहीं क्यों करना लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था क्या अज्यूम करोगे पे कर दिया है ये साल पे कर दिया है तो ये साल मेडिसिन कितना पे किया 5500 इस 5500 में लास्ट ईयर का कितना पे हुआ है 1500 हटाओ दैट डजंट बिलोंग टू दिस ईयर 5500 में से आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर माइनस सेम इफेक्ट तीनों का सेम इफेक्ट लास्ट ईयर लायबिलिटी एंड लेस फ्रॉम एक्सपेंस सैलरी और इसका सेम और इंटरेस्ट का लास्ट ईयर एसेट और लेस फ्रॉम इंटरेस्ट देन कैपिटल फंड लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग कम टू द नीचे वाला एडजस्टमेंट अभी नीचे वाला एडजस्टमेंट कौन सा है सर दिस ईयर का एडजस्टमेंट कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस वी सॉ दैट नेक्स्ट इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड 1000 ये कौन सा करंट ईयर का रिसीवेबल व्हाट आर द टू Add to interest and assets. All of you are getting this? Yes, sir. Any doubts till this part? No, sir. Next. Subscription includes 1000 for March 08. What is the current year? 06-07. Or 8 ka abhi aa gaya. Matlab kya? Received in advance. Less from subscriptions and life. Less karna hai ki nahi karna hai? Kyun karna hai? Ek saath diya hua hai. Alag alag? Nahi diya. Less from subscription and current year liability. You got this? Yeah. Subscription received in advance. Then, outstanding subscription on 31st March 07 is 4200. Which outstanding is this? Current year. Outstanding. What do you do? Add to subscription and assets. Simple. Current year ka outstanding. अनपेड सैलरी फॉर 07 और 2500 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करोगे
एक्टिव सैलरी एंड लाइबिलिटीज क्लियर. यस. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन तीन एसेट्स पे क्या करोगे? माइनस फ्रॉम लेस फ्रॉम एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर. लेस फ्रॉम एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर. प्रीपेड टैक्सेस. लेस फ्रॉम टैक्सेस एंड एसेट्स. करंट ईयर प्रीपेड. लेस फ्रॉम टैक्सेस एंड एसेट्स. सिंपल. हिडन एडजस्टमेंट है कुछ नहीं है. डॉट्स दे दो ध्यान से. हाउ मेनी डॉट्स ऑन सब्सक्रिप्शन? टू. एक. थ्री. दो. तीन. चार. कितने डॉट्स? हाउ मेनी डॉट्स ऑन सब्सक्रिप्शन? Three? Yes. Why three? You understood? Yes. Last year outstanding, current year outstanding, current year pre-receipt. Mila? Yes. $3. Subscription $3. Interest pe kitna? Two. Q, $2. Last year outstanding, current year outstanding. Mila ki nahi? Then, salaries pe kitna? Two. Two ki ek? Two. Why two? Last year outstanding and current year outstanding. Ek plus ek minus. Dono hai. मिला बैलेंस शीट और एक नीचे. हेलो. सैलरी टू डॉट्स. अंडरस्टूड वाई? लास्ट ईयर एंड करंट ईयर दोनों है ना आउटस्टैंडिंग. माइनस करना है ना लास्ट ईयर का. इंक्लूडेड है. इंक्लूडेड है वो सब माइनस होएगा. नहीं दिया तो भी माइनस करने का. इंक्लूडेड अज्यूम कर. हेलो. एनी डाउट्स? इफ यू आर नॉट गेटिंग यू आस्क. समझा खुशी जी? सैलरीज हाउ मेनी डॉट्स? टू डॉट्स. इंटरेस्ट टू. सब्सक्रिप्शन थ्री. अच्छा उसके बाद मेडिसिन पे कितना? क्यों वन? अनपेड. कौन सा अनपेड? लास्ट ईयर का. माइनस करना है. देखा? मेडिसिन वन. देन टैक्सेस हाउ मच? वन डॉट. प्रीपेड है करंट ईयर का. फर्नीचर जरा सोच के बताओ. फर्नीचर टू डॉट. टू और वन? टू. वाई टू डॉट्स? परचेज भी और डिलीवरी भी है. सेल नहीं है. फर्नीचर टू डॉट्स. देन बिल्डिंग हाउ मेनी? One. Just depreciation. Equipment how many? Two. Why two? Purchase भी है, depre भी है. Equipment two dots. Then, हो गया सब? देख लो, चेक कर लो लास्ट ईयर का, करंट ईयर का सब. लाइफ मेंबरशिप फीस एक डॉट कैपिटलाइज कर लो. जस्ट वन डॉट ऑन लाइफ मेंबर. वी स्टॉप. एक नोट देख लो लास्ट सब में डोनेशन का. डोनेशन सब नंबर 17 में. 17 में मैंने दिया है डोनेशन. ये कौन सा दिया? टेंथ में नहीं लिखा. टेंथ सम. टेंथ सम में. टेंथ सम में लिखो. क्या लिखोगे? डोनेशन इज अ रेवेन्यू रिसीट, हेंस रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. It is assumed that donation is a revenue receipt. It is assumed that donation is a revenue receipt, hence recorded in income and expenditure. Assumption likhna hai agar koi info nahi diya kisi cheez ka to. Exam mein bhi likhna hai. Assumption sab likhna hai exam. Sorted hai? We'll solve it in next lecture. Next lecture get standard textbook without fail. Objectives also I'll be discussing and shares I'll start. Don't remain absent. Friday we are meeting. Here, now. अभी काफी.